बर्तू गांव निवासी एक विवाहिता की राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। विवाहिता की मौत पर उसके पीहर पक्ष बेगू चित्तौड़गढ़ निवासी परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। भील थाना पुलिस ने पीहर पक्ष की ओर से दी गई शिकायत पर पंचनामा तैयार कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द की है। जानकारी के अनुसार बर्तू भील निवासी जितेंद्र सिंह की पत्नी स्वराज कंवर को गुरुवार रात में राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भील से लाकर भर्ती करवाया गया था। भर्ती के दौरान स्वराज कंवर के सिर तथा कमर आदि पर चोट के निशान है। उपचार के दौरान विवाहिता स्वराज कंवर ने देर रात को अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक प्रशासन ने रात के समय शव को मोर्चरी में शिफ्ट कर भील थाना पुलिस को सूचित किया गया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर शुक्रवार सुबह भील थाने के एएसआई बाबूलाल एकेश पहुंचा था। विवाहिता के परिजनों तथा ससुराल पक्ष के लोगों के समक्ष पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान मृतका के पीहर पक्ष की ओर से विवाहिता के साथ दहेज की मांग को लेकर मारपीट करने तथा उसका भील एसएम चिकित्सालय में उपचार करवाने के बजाय ब्यावर लाकर भर्ती करवाने के चलते उसकी मौत हो जाने का आरोप लगाते हुए एक लिखित शिकायत दी, जिस पर एएसआई बाबूलाल ने पंचनामा तैयार कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों के सुपुर्द किया गया। भील पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतका की काकिसा उर्मिला कंवर ने बताया कि मृतका स्वराज कंवर के साथ उसके ससुराल वाले आए दिन मारपीट करते रहते थे। शादी में दहेज कम देने तथा दो बेटियां होने में बेटे का जन्म नहीं होने के उल्हाना देते रहते थे। साथ ही मृतका का पति जितेंद्र सिंह सरकारी नौकरी में होने के कारण अपना झाड़ते हुए दूसरी शादी करने की धमकियां देता रहता था। उर्मिला कंवर ने बताया कि गुरुवार को मृतका के साथ जोरदार मारपीट की गई, जिसके कारण उसके सिर तथा कमर पर चोटें आई, लेकिन जितेंद्र सिंह ने स्वयं नर्सिंग कर्मी होने के नाते उसका घर पर ही प्राथमिक उपचार कर भीम के बजाय ब्यावर स्थित एकेश लाकर भर्ती करवाया, जहां पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। भीम हॉस्पिटल में बच्ची को इलाज नहीं हुआ, फिर ये लोग यहाँ पे ब्यावर लेके आए, उसके बाद में बच्ची की डेथ हो गई। उसके बाद में हम लोगों को बताया गया 6 महीने से बच्ची को परेशान कर रखा था, रोज़ मारपीट करते थे सास ससुर ननद और ये बना जितेंद्र सिंह जी, जो 4-5 सालों से परेशान कर रखा है बच्ची को। हमेशा बोलते थे कि दूसरी शादी करेंगे, लड़का नहीं हुआ इस चक्कर में रोज़ कहते थे दूसरी शादी करेंगे, इससे जा करके परेशान करते थे और दहेज के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। इस वजह से इन लोगों ने क्या किया कि कल दारू पीकर कुकर से मारा, तो यहाँ पे टाके ले लिए घर पे ही। हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में कंपाउंडर होने की वजह से ये ज़रूरी थोड़ी ना कि आप बच्ची के घर पे ही टाके ले लो। आप सरकारी कंपाउंडर है, ये सरकारी कंपाउंडर होने के ये मतलब थोड़ी ना है कि आप मतलब बच्ची को जान से ही मार दो। और डेथ होने के बाद, हमारी बच्ची की डेथ होने के बाद में फिर हम लोगों को इन लोगों ने बताया, सूचित किया। स्वराज कंवर की मौत हो गई है, जो दौरान इलाज भर्ती थी, जो उच्च अधिकारी के आदेश से पीएम कराने के लिए आया, दोनों पक्ष को बुलाया गया। पीहर पक्ष के भाई ने दहेज हत्या के संबंध में रिपोर्ट पेश की, रिपोर्ट पर कार्रवाई शुरू की गई, पोस्टमार्टम करा दिया मेडिकल बोर्ड से और लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इसके कमर में और गाल पे चोट के निशान, नीलगू जैसे निशान मंडे हुए हैं। अब वो चोट किस प्रकार से आई, कैसे आई है, वो पीएम रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगा और जांच से स्पष्ट हो जाएगा।